खबर उत्तर प्रदेश मेरठ से। मेरठ कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान का अनशन पांचवें दिन भी जारी रहा। सपा विधायक अतुल प्रधान को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका रूप बदलते जा रहा है। पहले अस्पताल में मरीज का बिल लाखों रुपए में बना दिया जाता था, इसके बाद मोल भाव शुरू हो जाता था। ये प्रथा गलत है। मरीज पर जितना खर्च आता है वे मरीज के परिवार जनों से वसूला जाए। विधायक अतुल प्रधान का मुद्दा ठीक है, लेकिन किसी भी समस्या का हल भूख हड़ताल से नहीं हो सकता है। राकेश टिकैत ने कहा कि कलम और कमरे में बंदूक का पैरा है। हमने प्रशासन से भी कहा था कि इस मुद्दे को लेकर कमेटी बनाई जाए, उस मुद्दे का समाधान होगा तो गरीब जनता को राहत मिलेगी। टिकैत ने कहा कि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन ये से व्यापार ना बनाए। डॉक्टर को इतना करना चाहिए कि उनका काम चला रहे, लेकिन लूट ना मचाए। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि इस मसले का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो वे धरने और डॉक्टर खिलाफ लड़ाई में हर संभव मदद करेंगे। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि 11 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में होगी महापंचायत। को भी ये कहा कि आप बातचीत का एक रास्ता खोल लो, उनकी भी जो डॉक्टरों की जो एक कमेटी है उनसे बातचीत करें, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बातचीत का रास्ता खोल लें। वो चाहे फीस ज्यादा का हो या मेडिकल का हो या दवाई महंगी का हो या एक ही हॉस्पिटल एक ही मेडिकल स्टोर पे दवाई रखता हो उसका मामला हो, एक इसकी जांच कमेटी जरूर बन जाए। और भी है जो बाहर से लोग जो आते हैं, जो एम्बुलेंस में जो लोग आते हैं उनको एम्बुलेंस वाला अपने सिस्टम के हिसाब से हॉस्पिटल में छोड़ कर जाता है। वो चाहे मुजफ्फरनगर सा हो, रुड़की सा हो या रामपुर और मुरादाबाद सा हो, तो ये समस्याएं भी है। एक हब है मेरा मेडिकल का, तो ये हब बना रहे हैं, लेकिन सरकारों को इसकी कमेटी बना के कोई राहत इसमें जरूर देनी चाहिए। जनता की और डॉक्टरों की और प्रशासन के बीच में वो कमेटी जरूर बने। धन्यवाद राकेश जी। आंदोलन कब तक चलना चाहिए, इस आंदोलन का क्या हल निकलना चाहिए आपके हिसाब से? ये तो आंदोलन चलेगा, इसका बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। कुछ जो डॉक्टर हैं कुछ वे नीचे आएंगे, क्योंकि अभी तक बैठ के इस तरह की देश में कहीं कमेटियां नहीं बनी। ये पहला है कि जो डॉक्टर और प्रशासन और जनता आमने सामने आंदोलन कर रही है वो बैठेगी। इसका जो भी इसका हल निकलेगा वो सकारात्मक निकले और इसका देश में एक मैसेज जाए पूरे देश भर में। डॉक्टर को आपकी क्या सलाह है? डॉक्टर को सलाह है कि बैठ कर बातचीत करो, टेबल टॉक करो। राकेश जी, तो क्या आप जो बीजेपी के जो लोग हैं उनको भी आह्वान करेंगे वो इस आंदोलन में शामिल? सब आए, इसमें क्या बीजेपी के क्या बीमार नहीं होते। राकेश जी, 3 विधानसभा चुनाव हुए 3 प्रदेशों में और वहाँ विपक्ष हार गया, आपको इस पर क्या कहना है? 5 में जो हार गया जीत गया, यहाँ तो डॉक्टरों की बात कर लो। अच्छा देखो, बेईमान ज्योतिषी जब देश में आ जाएगा और तानाशाह राजा बेईमान ज्योतिषी, तो भाई वो तो जीतेगा ही। कौन है बेईमान ज्योतिषी? जिसने ये कहा कि हम ही जीतेंगे, जितनी जीतेंगे वो है। किसने कहा बताओ, किसने कहा? कौन है बताइए, आप बताओ। नहीं हमें क्यों नहीं पता, आपको सब पता। भाई देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, तो ज्योतिषी है क्या वे? तो बेईमान ज्योतिषी और तानाशाह राजा जब दोनों पद एक जगह आ जाएंगे तो यही हालात देश के होंगे। राकेश जी, आपने क्या कांग्रेस को क्या सलाह है? कांग्रेस को क्या सलाह है? सारों को एक जगह इकट्ठा होगा, चल रहे नहीं तो सारे मारे जाएंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी हठधर्मी पे है, क्या पता कौन कौन है। अखिलेश यादव, अरे सारे ही हैं, सारे इकट्ठे हो जाएं तो जब जाए कपड़े की बात। ये मलखान सिंह जी हड़ताल पे हैं। ये वोट कौन से? आओ तो साहब आओ। मैं यूँ कहूँ जी, हाँ जी, जब आप खाने को मना कर रहे हैं, भूख हड़ताल को मना कर रहे हैं, खाने को प्रशासन मना कर रहा, तो फिर तो भूख हड़ताल ही रहेगी जी।
हैं, खाने का जब इंतजाम नहीं करने दे रहे ये कोई नहीं मना करे। जब ये अनशन तोड़ देगा तो भट्टी भी यही चल जाएगी। राकेश जी एक रिपोर्ट आई है मेडिकल की, रिपोर्ट आई है मेडिकल की अतुल प्रधान जी की, उसमें ये लिखा है कि स्टार्वेशन का कोई लक्षण मतलब अनशन नहीं हो रहा है उनका। अब एक एक मिनट भाई, जिनके खिलाफ धरना है और रिपोर्ट भी नहीं देनी तो वे तो रिपोर्ट देंगे ही। अच्छा अतुल प्रधान जब जब मर जाए अस्पताल में चल जाए अभी मान लेंगे आप भी धरने होंगे क्या लगा आप भी भूखे हड़ताल पे बैठने की विचार है? नहीं हम तो अभी जा रहे हैं, आज नहीं हमारा प्रोग्राम। अगर हर जगह से मिली भगत है प्रशासन से शासन से तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा फिर? और निकल जाएगा निष्कर्ष का तो देखो देश की जनता ने भी पता कि 13 महीने आंदोलन चल जा, यहाँ के प्रशासन को भी पता आते रहेंगे, हम आता पता लेते रहेंगे। आप भूख हड़ताल खत्म करा रहे हैं क्या राकेश जी? क्या भूख हड़ताल खत्म करा रहे हैं अतुल प्रधान की? देखो हम तो चाह रहे कि इसका समापन हो, भूख हड़ताल खत्म हो, लेकिन वो पूरे जो कमेटी इनकी है उनसे बातचीत करके और कब और कैसे होगा, और प्रशासन से भी हम कहेंगे कि उस लाइन पे भी काम करना चाहिए। प्रशासन से बात करेंगे, फोन कर लेंगे। बाकी क्या आपकी सलाह अनशन खत्म करने की है? सलाह नहीं, सलाह तो इनकी है, आपका कुछ मशवरा तो होगा? मशवरा ये है कि अनशन तो खत्म होना चाहिए। 11 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है, किसान डीएम से बात करिए लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। अभी डीएम के भी हाथ में कुछ नहीं होता। 11 तारीख को महापंचायत होनी है, महापंचायत होगी, आप भी आएंगे उसमें? 11 तारीख का भी नहीं बता सकते कोई नहीं। अभी नहीं बता दिया किसान पंचायत। अरे बंद तो रहा खाना, कहाँ बंद कर रहा है? अनशन तो अतुल प्रधान कर रहे हैं, बाकी लोगों का क्या जो दिन रात? और अपना ले हुआ खाना कौन मैंने कर रखा है वो आज लग रहा? अरे कोई नहीं फेंकता, लेगा तो हमें ट्रॉली में रख के लेगा भाई, ट्रैक्टर में लेकर आओगे तो कोई नहीं रोके। थैंक यू। आज धरना प्रदर्शन चल रहा अतुल प्रधान जी का, तो इसके अंदर आप समर्थन देने आए? समर्थन देने भी आए, दूसरा पक्ष भी है, उनके भी मैसेज आए कि हमारी बात सुन जाए। तो हमने कहा कि प्रशासन को हम कहेंगे और दोनों पक्षों से बैठ के कमेटी बनकर बातचीत होनी चाहिए। भाई किसी का आपस में कोई विवाद हो गया तो बीच बचाओ वाले तो आदमी चाहिए। हमको भूख हड़ताल है इसको समापन कर, और लड़ाई जो है ना खापी का लड़ाई लड़ेंगे सब लोग साथ में, और प्रशासन से भी कहेंगे कि कमेटी बना के और दोनों पक्ष की बात सुने कि क्या है। क्या लगता आज अनशन समाप्त कराने के लिए? हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम अभी जरूर करेंगे। आपका समर्थन पूरा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।